तो गाइज आज के दिन फ्रैंकलिन के घर में उसका जो स्विमिंग पूल है पूरा ग्रीन हो चुका है। तो क्या स्विमिंग पूल के अंदर जहर फैल चुका है? तो अगर सच में ऐसा है तो ये हुआ कैसे? तो एक्चुअल में गाइज फ्रैंकलिन कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था घर से, तो उसके जो पड़ोसी है ना भाई आसपास का सारा कचरा लाके उसको स्विमिंग पूल के अंदर डाल दिया। तो अब हमें पूरा स्विमिंग पूल साफ करना पड़ेगा, नहीं तो इस पानी से फ्रैंकलिन मर भी सकता है। तो गाइज यार सबसे पहले स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए हमें एक ट्रैक्टर की जरूरत है, जो कि हमें एक इतने बड़े मेगा रैम के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अंदर हम पानी और कचरा दोनों को उठा के अलग अलग करेंगे और इस ट्रैक्टर की ट्रोली में डाल के भाई बाहर फेंकेंगे, जिससे हमारा स्विमिंग पूल साफ हो जाएगा। लेकिन इस ट्रैक्टर के पास पहुंचने के लिए हमें काफी ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन कितना ज्यादा ऊपर अभी आपको पता चल जाएगा। तो अभी गाइस मैं एयरपोर्ट का प्लेन ले लिया है और यहाँ से मुझे सीधा ऊपर लेके जाना होगा इस प्लेन को। तो सामने गाइस आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा मेगा रैंप है, तो यार इस मेगा रैंप के हमें टॉप पर जाना है। लिटरली गाइस चैलेंज बहुत ज्यादा हार्ड था अगर मैं बाइक से करता, लेकिन प्लेन से हम बहुत ही ज्यादा इजीली ऊपर आ चुके हैं। लेकिन इसके टॉप फ्लोर पे हमें लैंड भी करना होगा, मतलब फ्रैंकलिन को जंप करवानी होगी प्लेन से, क्योंकि यार प्लेन को लैंड कराना तो पॉसिबल नहीं लग रहा। ओके लेट्स गो फ्रैंकलिन जंप। ओके प्लेन तो आगे निकल गया और फाइनली गाइज मुझे यहाँ पर ट्रैक्टर मिल गया और यहाँ पर फ्रैंकलिन की थोड़ी बहुत हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई। चलो कोई बात नहीं, चलेगा। प्लेन का तो भाई नामो निशान नहीं दिख रहा। लेट्स गो गाइज, अब ट्रैक्टर को नीचे लेके जाना है, जो कि भाई थोड़ा हार्ड चैलेंज हो सकता है। ओके अरे अरे बाप रे इतनी स्पीड, वे रुक, ओ भाई फिसल गया। ये देखो गाइज स्टार्टिंग में मैं आपको बोल रहा था ना भाई बहुत ही ऊपर है ये मेगा रैम, देखो कितना ज्यादा ऊंचा था ये। और यहाँ पर अपना ट्रैक्टर बम भाई, अबे मरा तो नहीं ना? चलो भाई जिंदा है। अब फटाफट से इस ट्रैक्टर को लेके चलते हैं घर पे, बिकॉज वहां से मैंने कचरा और पानी खाली करना है जल्दी से। लेकिन ये ट्रैक्टर भाई नीचे कितना धीरे धीरे चल रहा है, ऊपर कितनी स्पीड में। अच्छा वो मेगा रैम के ऊपर चला रहे थे अपन। 5 minutes later. तो गाइस मैं ट्रैक्टर तो लेके आ गया, लेकिन पानी को और कचरे को बाहर कैसे निकालूंगा? अरे यार मुझे एक पंप भी लेके आना पड़ेगा, उसके लिए मुझे दूसरा चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा। और गाइस ये जो पंप है ना बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई, 10 से 20 सेकंड के अंदर पूरा पानी खाली कर देगा। तो गाइस ये वाला जो पंप है हमें मिलेगा कलरफुल बिल्डिंग के टॉप पर, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए हमें एक चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा। और गाइस मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये वाला चैलेंज है ना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर मैंने एक बार में इस चैलेंज को कंप्लीट कर दिया तो आपको वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो लेट्स गो भाई। ये वाले पंखे तो मैंने बहुत इजीली अभी लग जाता थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं बच गए। और यहाँ से अबे थोड़ा सा रुक जा, चलो भाई अब देखो गाइस चैलेंज यहाँ से थोड़ा सा और हार्ड हो चुका है, लेकिन हमें एक ही बार में इसको कंप्लीट करना है। अगर एक बार में कंप्लीट कर लिया ना गाइस तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है? ऑल राइट यहाँ पर भी आ गए, सामने एक और पंखा घूम रहा है, इसको तो शायद मैं इजीली कंप्लीट कर सकता हूँ। एक काम करते हैं यहाँ से डायरेक्ट जंप लेता हूँ। अरे भाई बाल बाल बचा भाई, अरे रुक यार क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसी हरकतें करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा यार। आराम से लेट्स गो। चलो यहाँ, अरे एक सेकंड भाई ये स्लिप हो रही है। अरे हाँ बच गया। जिसने भी चैलेंज बनाया ना भाई गिराने के लिए बनाया, लेकिन वो जानता नहीं है भाई टियोक्स प्ले कौन है, आज पता चल जाएगा। इस चैलेंज को तो मैं इजीली कंप्लीट करके ही रहूंगा। ओके सामने पंखा घूम रहा है, थोड़ी थोड़ी सी मतलब कर लूंगा यार, कोई बात नहीं। अरे कहाँ पे अटक रहा है, क्या बदतमीजी है ये। लेट्स गो। ओके सामने तो भाई प्लेन दीवार है, लेकिन ये क्या है, ये रैंप फिर से आ गया भाई। यहाँ पे तो ट्रैक्टर लेके गिर गया था मैं, लेकिन बाइक बाइक नहीं गिरेगी ना। लेट्स गो फ्रैंकलिन स्पीड में और स्पीड। एक सेकंड मुझे सामने पता नहीं है क्या है ये, थोड़ी सी स्पीड स्लो कर लेता हूँ। अरे भाई अरे यार ये नहीं होता ना भाई, मैं खत्म था यार। चलो बच गए। एक सेकंड रुक रुक रुक, नीचे कुछ दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा प्लेन ही है, लेट्स गो। और यहाँ पर फिर से सर्कल आ चुके हैं, सामने पंखा घूम रहा होगा डेफिनेटली, वो घूम रहा, देखो दो पंखे घूम रहे। लेकिन अब मुझे लग रहा है ये चैलेंज लगभग कंप्लीट। और यार ये थोड़ा सा, एक सेकंड आराम से जाएंगे। ये देखो ये थोड़ा सा मुझे ऊपर जाना होगा, स्लिप भी हो रही है दीवार थोड़ी सी। लेट्स गो। तो फाइनली गाइस हमें वाटर पंप मिल चुका है और ये चैलेंज भी मैंने कंप्लीट कर दिया। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस। अब ये वाला वाटर पंप लेके चलते हैं जल्दी से अपने घर पे और स्विमिंग पूल का सारा पानी खाली करते हैं यार, लेट्स गो। तो गाइस मैंने ट्रैक्टर एंड पंप दोनों अपनी अपनी जगह पे लगा दिए हैं, अब बारी यहाँ पर स्विमिंग पूल के पानी को खाली करने की। ऑल राइट खाली होने लग चुका है, ये देखो गाइस यहाँ पर स्विमिंग पूल का पानी धीरे धीरे नीचे जा रहा है और ट्रैक्टर के अंदर पानी भर रहा है, ये पंप की वजह से हो रहा है। और लगभग यहाँ पर स्विमिंग पूल का पूरा पानी, अरे हो जा भाई, कचरा देखो भाई कितना सारा कचरा इसके अंदर भाई, इतनी सी ट्रॉली में पूरा स्विमिंग पूल का पानी आ गया।
चलो गाइस, ये जितना भी पानी है ना, सारा गंदा पानी समुद्र में छोड़ के आते हैं, बिकॉज वहां पर भी लगभग गंदा पानी होता है ना, तो इतने से पानी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे। लेकिन ये ट्रैक्टर भाई इसका बोझ नहीं उठा पा रहा भाई, इतना ज्यादा भारी है भाई। ये ट्रैक्टर है या मेंढक है भाई, कैसे चल रहा है? ओके गाइस, जैसे तैसे करके मैंने पानी तो यहाँ पे खाली कर दिया है, बड़ी मुश्किल से खाली करा। लेट्स गो, फटाफट से घर पे चलते हैं, बिकॉज हमें काफी सारा कचरा भी वहां से उठाना होगा। तो गाइस यार, इन पड़ोसियों की तो ऐसी की तैसी भाई, कितना सारा कचरा, केले के छिलके, इतने सारे टायर्स, फ्यूल टैंक तक डाल दिए भाई। घर उड़ाने का प्लान था क्या? ये देखो कटा हुआ एप्पल वगैरह, सारा कचरा मुझे समेटना पड़ेगा यार। दिमाग का दही कर दिया यार, इतना साफ घर छोड़ के गया था और ये देखो भाई कबाड़ कर रखा है। चलो यार जल्दी से समेटते हैं। ऑल राइट गाइस, अपना स्विमिंग पूल देखो पूरा क्लीन हो चुका है, इस पंप को भी हटा देंगे और सारा जो कचरा है गाइस मैंने ट्रैक्टर के अंदर लोड कर दिया है। भाई ये देखो कितना सारा कचरा है भाई, कितना सारा। अब गाइस ये सारा कचरा फेंके कहाँ पर? एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया में चलते हैं, वहां पर पहले से काम रुका पड़ा है और कबाड़ भी काफी सारा है, तो किसी को पता नहीं चलेगा। और हाँ, किसी को पता चलना भी नहीं चाहिए, और किसी को पता चले उससे पहले ही कचरे को फेंक के आ जाते हैं। ओके, सामने लड़की देख तो ना ले भाई, जल्दी निकल यार फ्रैंकलिन। भाई यार शर्म से लाल हो गया भाई, ऐसा कबाड़ी वाला लग रहा हूँ मैं। ओके गाइस, मैं कंस्ट्रक्शन एरिया पे आ चुका हूँ, मुझे ये वाली जगह एकदम परफेक्ट लग रही है, कोने में तो कोई देखेगा भी नहीं यार। अगर मुझे पता होता ना भाई ये कचरा मेरे घर में किसने फेंका है, तो भाई सारा कचरा उसी के घर में फेंकता है रात में। फिलहाल के लिए यहाँ पर आसपास चेक कर लेता हूँ, कोई देख तो नहीं रहा भाई, कोई भी नहीं है यहाँ पे आसपास। फटाफट से गाइस कचरा फेंक के निकलते हैं, क्योंकि यार ये साइट काफी टाइम से बंद पड़ी है और काफी लोग यहाँ पे कचरा फेंकते भी हैं, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। फटाफट से फेंकते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस कचरा तो मैंने फेंक दिया सारा, लेकिन स्विमिंग पूल के अंदर वापस से पानी भी तो भरना है। तो गाइस उसके लिए मैंने चूज करा यहाँ पर एक फायर ट्रक को, जो की भाई एयरपोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर है, और उसके पास जाने के लिए भी हमें एक और चैलेंज कम्प्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस इसके अंदर बहुत सारा पानी एक ही बार में लोड हो जाएगा और सारा के सारा जो पानी है स्विमिंग पूल के अंदर डाल देंगे लाके। चलो भाई अपना चैलेंज स्टार्ट हो चुका है, और सामने देखो भाई दो दो तीन तीन पंखे घूम रहे हैं, और ये देखो कंटेनर भी घूम रहा है भाई, तेरी कमी थी यहाँ पे। तो गाइस ये वाले चैलेंज के अंदर जो एयरपोर्ट वाली बिल्डिंग है ना, वो चारों तरफ से ब्लॉक्ड है, बस ये एक ही रास्ता है यहाँ पर एयरपोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर जाने का। भाई अभी गिर जाता मैं। चलो यहाँ से बच गए पंखे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, बीच में कहाँ घूम रहे हो यार। अरे रुक 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 भाई, अभी गिर जाता नीचे। भाई क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ ज्यादा स्पीड में था मैं। ओके अब सामने शायद, अरे छोटी सी जंप, बच गया। लेट्स गो, ये पंखे तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई इतनी कम जगह है, यहाँ से बीच में से निकलना है। अरे यार एक पंखा होता चल जाता, चार पांच दे दिए। अरे भाई थोड़ा सा पीछे ले, पीछे पीछे थोड़ा सा वेट करते हैं, इसका भी निकलने का वेट करते हैं। लेट्स गो, बच गया। और अरे यार ये तो और भी ज़्यादा हार्ड। अरे भाई ये क्या है भाई, जंप भी लेनी है यहाँ पे। ओके एक सही परफेक्ट टाइमिंग के बाद शायद, ओके भाई इजी था ये तो, आ गया मैं। अरे ये क्या है भाई, क्या बदतमीजी है ये भाई, वो पता नहीं क्या था यार, कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे कोई चेक पॉइंट भी नहीं है भाई, मरा तो शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा पूरा। अरे सामने क्या है भाई, पूरी बिल्डिंग टेढ़ी मेढ़ी है। बाप रे बाप, क्या चैलेंज है यार ये। और ये सामने जंप है क्या कुछ? अच्छा यहाँ पर दीवार है, देखो गाइस झाड़ियों से छुपा रखी है ताकि भाई बंदा गिर जाए नीचे, लेकिन इतनी आसानी से टीओक्स प्ले थोड़ी गिरेगा यार। ओके बस इतना ईजी था ये, हो गया बस। अब सामने मुझे बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना है, वो भी यार टेढ़ी बिल्डिंग के ऊपर। बताओ बिल्डिंग के ऊपर कौन चढ़ता है यार, मुझे ऐसा लग रहा है चैलेंज बस कंप्लीट होने ही वाला। अरे यार ये रैंप फिर से आ गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, आराम से फ्रैंकलिन, यहाँ पे रास्ता बंद है। और यहाँ पे कुछ है क्या ऑब्जेक्ट? हाँ ये रहा नीचे, बच गया। ओके यहाँ पर मुझे जंप लेनी, थोड़ा सा फ्रैंकलिन पीछे आ जा, थोड़ा वेट कर ले भाई, टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। लेट्स गो भाई, स्पीड स्लो हो गई थी, मुझे लगा गिर जाएगा लेकिन बच गए। ओके अब मुझे यहाँ से पतली दीवार आ गई, आराम से करना पड़े। अरे इसके नीचे एक और है, ये ग्रास। तो गाइस यार इतनी मेहनत लग रही है इसको कंप्लीट करने में, इतने सारे चैलेंज कंप्लीट करे, लेकिन आप उनके वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, क्या कर रहे हो भाई, जल्दी करो ना, 5 लाख बस होने वाले हैं। अरे नीचे कुछ भी नहीं है, फालतू की टेंशन ले रहा हूँ मैं। बट ये ग्रास मत बिछाओ यार, कुछ दिखता ही नहीं आगे का, समझ ही नहीं आ रहा। अरे ये देखो भाई, कुछ नहीं दिख रहा था। अरे ये भी नहीं दिखा भाई, ये तो सरासर बदतमीजी है भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी कहीं से भी निकल रहा है बाहर यार। ऑलराइट सामने एयरपोर्ट की बिल्डिंग नजर आ चुकी है गाइस, और वो रही वहाँ पे फायर ट्रक। लेट्स गो गाइस, अपना काम हो चुका है, लेके निकलते हैं इसको घर पे। तो गाइस एक और चैलेंज ये है कि सामने जाली लगी हुई है, जाली में अगर अटक गई ना तो ये काम खराब हो जाएगा अपना, तो मैं साइड से इसको उतार रहा हूँ। और बच गया भाई, चलो भाई जाली में नहीं अटकी है। अब इसको मैं तालाब के पास लेके जाऊंगा, जो रेलवे स्टेशन के पास तालाब है ना, वहां पर थोड़ा साफ पानी है। गाइस मैंने नहीं मारा इसको, ये खुद ही बीच में आके मरी है।
ऑलराइट, यहाँ पे तालाब के पास अपन आ चुके हैं। अब फायर ट्रक के अंदर जल्दी से यहाँ पे पानी भरते हैं और लेके चलते हैं अपने घर पे। अबे जल्दी कर फ्रैंकलिन। ऑलराइट गाइस, पानी भर लिया है, अब जल्दी से यार घर पे चलते हैं। मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा यार, एकदम शुद्ध तरोताजा पानी के अंदर नहाएंगे, क्योंकि यार आज बहुत ज्यादा मेहनत करी है ना भाई, पसीना पसीना हो गया है। तो गाइस यार मैं फायर ट्रक को घर पे तो लेके आ चुका हूँ, लेकिन इसके पंप में कचरा फंस गया हल्का सा, तो ये जाम हो चुका है और पंप भी यहाँ पे खराब है, तो इसको सही कर रहा है फ्रैंकलिन। ऑलराइट गाइस, काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद यहाँ पर पंप चालू हो चुका है, बस कुछ देर के अंदर यहाँ पर पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे पानी ऊपर आने लगा है। अरे भाई ये देखो गाइस, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है सारा पानी, और कितना साफ पानी है, एक भी कचरा नहीं दिख रहा है इसमें। जल्दी जल्दी यार, ओ भाई साहब, अरे बंद कर यार मोटर, लेट्स गो गाइस। यहाँ पर पूरा पानी भर चुका है, कितना साफ और शुद्ध पानी है ये देखो गाइस यार, पानी कितना साफ हो चुका है। अब इसके अंदर नहाने का तो मजा ही अलग है भाई। अरे यार ठंडा ठंडा पानी, मजा आ गया। सुबह से भाई इतनी ज्यादा मेहनत करी है, लेकिन अब पानी में नहा के बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तो भाई इस मेहनत के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड लव यू ऑल।